इंडिया के न्यूज चैनल की खबर का हुआ बड़ा असर। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर सतर्क हुआ प्रशासन, जांच शुरू हुई। रायबरेली में उस समय मचा हड़कंप जब सलोन थाना क्षेत्र के ममुनी ग्राम सभा के दंडी गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और प्राइम डे के न्यूज चैनल ने एक खबर को पूरी सक्रियता से दिखाया। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और मौत होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले में जांच करनी शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई है वह सभी एक ही परिवार के थे। उम्र लगभग 55 से 80 वर्ष के बीच में हुई है। मृतक अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे जिससे उनकी मौत हो गई। विभाग ने किसी प्रकार के सक्रिय फैले होने की बात को नकारा है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर पूरे गांव में हर व्यक्ति की जांच शुरू कर दी गई है। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए राम भवन रायबरेली। सर, ममुनी में क्या मामला है, इतने लोग इस पर हो गए और आप लोग आज जांच में आए, जांच में क्या निकला है? एक्चुअली कल हम लोग को जो है स्वास्थ्य विभाग सूचना मिली कि यहाँ पे 5 लोग जो है एक ही परिवार में उनकी जो है मृत्यु हो गई है, और तो स्वास्थ्य विभाग की टीम कल से यहाँ पे लगी हुई है जाके उनका 5 लोगों का पूरा जानकारी निकाली गई। तो उसमें जानकारी ये पता चली कि 5 लोग जो है अलग अलग, जैसे एक तो एज 55 से 80 साल तक के उसमें एज ग्रुप के लोग, और अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे। किसी का जो है खून बहुत ज़्यादा कम था, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर में थे, उनका ट्रीटमेंट लखनऊ में चल रहा है। कोई जो है 2 बार उनको टीवी हो चुकी है 2 बार, और फिर रिटर्न में ऐसे अलग अलग, किसी को अस्थमा है, इस तरीके से वो अलग अलग बीमारियों के लोग थे। लेकिन फिर उस क्रम में ये हुआ कि आदेश हम लोग को ये दिया गया कि आप एक एक घर जाके जितने भी यहाँ हैं कौन बीमार है कौन ही, पूरी हिस्ट्री उसकी निकाल के एक सर्वे करिए। और आज सुबह से हम लोग जो है डोर टू डोर जाके के घर से लोगों को बुला के अगर कोई बीमार है उनको रेफ़र करना, उनको ट्रीटमेंट करना। लेकिन वो जो 5 मौतें हुई हैं वो मतलब सब अलग अलग कारणों से और बीमारियों से, अपने बीमारियों में लोग गए हैं, कोई ऐसा मतलब संक्रमण या इस तरह का कुछ नहीं पाया गया फिलहाल यहाँ। सर आपका परिचय? मैं जो है डॉक्टर आलोक जो है MORBS के सलोन सीसी सलोन से मेडिकल ऑफिसर हूँ सलोन। प्रधान जी, क्या मामला हुआ, इतने लोग यहाँ शहर हुए? घटना घटी, इसको हम एक संजोग मानते हैं, इसलिए कि 20 दिन 22 दिन में 5-5, 7-7 आदमी ग्राम सभा में अगर खत्म हो गया तो चिंता का विषय है, क्योंकि ये काम स्वास्थ्य विभाग का है। तो जब हम लोगों ने महसूस किया कि स्वास्थ्य विभाग को आवश्यकता है तब से वो लोग आए हैं और बराबर साथ। आपका परिचय? देवेंद्र शुक्ला, ग्राम प्रधान। सर, एक अखबार में खबर निकली थी कि सलोन क्षेत्र में कुछ रहस्यमय बीमारी से 7 लोगों की मौत हो गई है, तो उसके बारे में आपका सर क्या कथन है? खबर का संज्ञान लेते हुए अपर निदेशक लखनऊ मंडल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली और सीसी अधीक्षक के संयुक्त टीम के द्वारा भ्रमण किया गया, उसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए और विस्तृत जांच की गई। गाँव वालों से भी बात किया गया, परिवार से बात किया गया, और जो निष्कर्ष निकला है, रिपोर्टों को भी देखा गया, जो भी उपलब्ध रिपोर्ट थी सबकी जी, सबका गहनता से जांच किया गया। जो निष्कर्ष निकला है कि 5 मृत्यु ग्राम डाणी में और 2 मृत्यु जुड़ावन का पुरवा में हुई है। ये सभी मौतें 60 साल से 90 साल के बीच की हैं, जो अलग अलग परिवारों से हैं, कोई भी एक परिवार के नहीं है, और सारी मौतें गैर संचारी रोग से और कुछ स्वाभाविक मौतें हुई हैं। सर, गांव में आपकी टीम ने कुछ उपचारात्मक कार्रवाई की है? सर नहीं, टीम ने पूरा वहाँ कैंप, हेल्थ कैंप भी लगाया गया है, लोगों में जागरूकता की गई है, साफ सफाई के बारे में बताया गया, संचारी रोगों के बारे में बताया गया है, कैसे बचा जाए, कैसे उसका दूर रखा जाए बीमारियों को, इन सारी चीज़ों में हेल्थ एजुकेशन भी अपन निदेशक महोदय के द्वारा भी दिया गया है, मेरे द्वारा भी दिया गया है, और सतत निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। थैंक यू सर।